ब्लॉग बनाया था दोस्तों, उषा मेरी दोस्त कुंडार की बचपन की सहेली, उनकी मम्मी है और ये बाबू है हमारा, पहुंच गया है दादी के साथ। तो थैंक यू दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी तो चाय पी लाई हो, तो दोस्तों कैसे लग रहे हैं आपको हमारे ब्लॉग? अब हम आपको कुछ और खास नज़ारा दिखाना चाहते हैं, यहाँ का जो लोकेशन है, जो पहाड़ी संस्कृति है, कल्चर है, यहाँ के खेत है दोस्तों, वो देख सकते हैं आप। यहाँ ये है माता रानी का मंदिर दोस्तों। अब हम बैक कैमरा से दिखाते हैं आपको, हरियाली ही हरियाली यहाँ आपको नजर आएगी, सारी हरियाली हरियाली है। अभी बैक कैमरा भी करती हूँ मैं, देखिए यहाँ के प्यारे प्यारे खेत, जो खुश माहौल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, बने रहेगा चैनल के साथ। ये देखिए आप दीदी की यहाँ बैठ गई हो, चाय पानी पिला दिया है दीदी ने, दीदी से मिली हमारी रिश्तेदार रोटी में, जो खेत है दोस्तों देखिए इनका खेत कितना शानदार है। अरे बाप पहुँच गया है, ये अब भी पहुँची हुई है, वहाँ का जो खुश माहौल है वो मैं आपको दिखा रही हूँ दोस्तों, बने रहेगा चैनल के साथ दोस्तों। मैं आई थी वहाँ से, वहाँ से आई थी मैं, देखिए जो पहाड़ है वो लास्ट वाला नागर कुंडार से मैं आई थी, त्यारी चौड़ा सारा निकलते हुए यहाँ पे। अब हमारे खेत तो यही है, ये हमारे खेत खलियान लोग अभी नहीं बनाए, नीचे को ऊपर ही है मकान। तो ये यहाँ कच्ची रोड है, कनारी पाखा को जाती है, पक्की रोड हो गई है ऊपर को पक्की। और यहाँ हॉस्पिटल है देवत पधारा, देवत पधारा नैनी सैनी हवाई पट्टी, बाद आता है यहाँ से सारा पिथौरागढ़, उधर हवाई पट्टी है, ये इतनी नज़दीक है यहाँ हवाई पट्टी की तरफ को, ये जो कल मैंने गाड़ी से निकाला था। और यहाँ पिथौरागढ़ हल्का दुधला दिख रहा है मार्केट, अब मैं पहुँचने वाली हूँ 3-4 किलोमीटर तो यहाँ मुझे जाना है, और यहाँ से डाउन होगा फिर। और ये माता रानी का मंदिर देखिए आप, ये कामाख्या माता के सामने पहुँचने वाली हूँ मैं, नीचे डाउन में हूँ अभी, मैंने जूम कर रखा है। अब इतनी दूरी पर हूँ मैं कामाख्या माता से, माता का मंदिर देखिए, यहाँ के खेत खलियान देखिए, हरे हरे खेत देखिए यहाँ के। जय हो देवभूमि उत्तराखंड, जय हो देवभूमि उत्तराखंड दोस्तों, देखिए क्या शानदार नजारा है, देखिए दूंगी ये देखिए दोस्तों। बारिश हो रही है, बारिश बहुत ज्यादा, मैं अकेली हूँ, चाय पानी पी लिया है मैंने ऊपर दीदी लोगों का, यहाँ मकान ही मकान है रास्ते में, चाय पानी भी पिला दिया मुझे यहाँ पानी रास्ते में पैदल में। तो बस एक बार मैं यहाँ के खेत के बारे में बता देती हूँ आपको, अभी यहाँ के जो खेत है दोस्तों हरे भरे, यहाँ बहुत बहुत खेत अच्छे होते हैं यहाँ, ये उधर को कुसौली तक हमारे खेत थे, ये देखिए कुसौली माता रानी के मंदिर में, इधर ही नीचे तक हमारे खेत थे दोस्तों पापा मम्मी लोगों के, और ये ऊपर तक खेत है, आप देखिए खेतों का ही खेतों का निकाल लूँ मैं अभी, ये सारे खेत आते हैं बीच बीच में, हर तरफ खेती खेत, ऊपर तक खेती खेत होंगे, और पठार है यहाँ पे पठार, ये ऊपर स्कूल है हमारा, प्राइमरी जूनियर हाई स्कूल तक, इंटर तक का स्कूल था यहाँ पहले। अब मैं ये शानदार लोकेशन को क्लोजिंग कर रही हूँ, अब डायरेक्ट निकलती हूँ कुसौली के थाना में, ये कुसौली का जो थाना है दोस्तों, मैं यहीं से नीचे को गांव बनाऊंगी वहाँ का, कुसौली जहाँ मेघा रहती है उसका परिवार रहता है, और फिर मैं मार्केट में पहुँच जाऊँगी। तो मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में दोस्तों, बने रहेगा चैनल के साथ, धन्यवाद। अभी बारिश भी बहुत हो रही है, और बारिश के साथ साथ ट्रैक कर रही हूँ मैं यहाँ पे। माता दी जय माता दी, शेरा वाली पहाड़ा वाली जोता वाली लाटा वाली माता की जय जय माता दी। दोस्तों बस माता रानी के दरबार में पहुँच गए, अब थोड़ा ही रह पहुँचने वाले हैं, और थोड़ा ही रह गया रास्ता अभी ट्रैक करते हुए, बारिश तेज हो रही है। आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और जरूर कर दीजिएगा दोस्तों, नए लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप सभी पुराने दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद, भाइयों बहनों भगवान आपका भला करेंगे, आप सभी का धन्यवाद। देख रहे हैं कैसे ब्लॉग बनते हैं, कितनी मेहनत लगती है, कहां कहां जाते हैं तब ब्लॉग बनते हैं, प्रेरणादायक वीडियो प्रेरणादायक ब्लॉग दोस्तों। यहाँ के खेत देखिए, हाँ वो ऊपर से पहुँच गई हूँ मैं, देखिए कहाँ से पहुँच गई हूँ, अब देखिए ऊपर को इतने टॉप से पहुंच गए दोस्तों, एक लाइक तो बनता है, और कमेंट में जरूर बताइएगा। बारिश देखिए, अभी बहुत दूर जाना है, दोस्तों यहाँ का जो एरिया मुझे कुछ डरावना लग रहा है, क्योंकि बचपन में ना हम लोग जब छोटे थे तो इस जगह के लिए डरते ही थे, ये
लेकिन दूर दूर तक तो यहाँ लोग गोला आए हुए हैं दोस्तों। गोला का मतलब होता है कि जैसे बकरी चराने आए हैं। लेकिन हम बचपन से यहाँ डरते थे पहले भी, थोड़ा सन्नाटा जैसा है, कुछ मुझे डरावना लगता था पहले से, क्योंकि हमारा पहले गाड़ी नहीं होती थी तो यहीं से आना जाना होता था। लेकिन वहाँ पे एक आदमी कोई उधर पे बकरी चर को ले जा रहे हैं कोई उधर को, ये देखिए डरावना पुल कहते थे हम इसको, डरावना पुल। लेकिन डरना नहीं पड़ता है अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हुए। वैसा डरा यहाँ देखिए कुछ औरतें आ रही है, मुझे अच्छा लग रहा है, नहीं तो मुझे डर जैसा लग रहा था इधर कैसे जन्नत लूँगी करके बारिश में। तो कुछ औरतें निकल रही है यहाँ देखिए आप गौर से, ये खेतों से आ रहे हैं वही लोग हैं ये, मेरा भी इनके साथ हो जाने वाला है अभी, ये पीछे पीछे आ रहा है, मैं आगे आ गया दोस्तों। जिस पुल से मैं आई थी ये वहीं पहुँचने वाले हैं महिलाएं, अभी वो ऊपर से आई थी मैं बहुत दूर से। ये दिख रही है आपके दोस्तों, इसमें लहसुन प्याज भर रखा है पापा जी ने, पापा ने हमारे, और ये भारी हो गया बैग मेरा, मैं परेशान हो गई मैं तो इतने में। अब देखिए वो दो औरतें पीछे पीछे आ रही है, मेरा भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा। देखिए दोस्तों जूम करके दिखा रही हूँ, मैं आई थी यहाँ से बहुत दूर से, अब पुसौली के खाने में पहुंचने वाली हूँ। आगे का रास्ता ये है और बारिश हो रही है, बादल हो रहे हैं, देखिए समय का इंतजार खत्म, पहुंच चुके हैं हम अभी टॉप में पुसौली के, यहाँ से ऐसे तो नहीं दिखेगा लेकिन टॉप से निकालूँ नीचे का लोकेशन। अब बहुत शानदार है यहाँ ऊपर को, चल मैं चल आजा वाली सीख ली है अपने पोयम, कौन सी वाली है, इतनी शक्ति हमें दे ना दाता मन का विश्वास। नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के यूट्यूब चैनल हेमा भट्ट एफएम में। तो आप लोगों ने देखा बहुत अच्छी लोकेशन थी रास्ते की, कुमडार से कुसौली तक पहुंचने का रास्ता हमने आपको दिखाया था ट्रैक करके पूरा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा दोस्तों भाइयों बहनों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दीजिएगा, न्यू लोग हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाकी आप सभी को पता ही है वेलकम आइकन सेट कर लीजिएगा ताकि सारे वीडियो सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियो का आप तक पहुँच सके। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट करने के लिए। तो ये हम अभी पहुंच चुके हैं कुसौली, अपने बाबू से मिल चुके हैं और अम्मा जी के लिए खाना बना रहे हैं, अम्मा जी की देखभाल करनी थी और मेघा के मम्मी पापा बाहर गए थे तो हमने थोड़ा यहाँ पे संभाल लिया था कुछ दिन तक। तो आगे के ब्लॉग में आप देख ही रहे हैं हमारा जो वर्क डेली वर्क हो रहा है आजकल, तो ये बीच वाला ब्लॉग अभी डाला दोस्तों थोड़ा छूट गया था, इसके लिए क्षमा चाहती हूँ, मिलते हैं दूसरे